आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है एक खास सरकारी स्कीम से। कृषि क्षेत्र में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। इस योजना के जरिए 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर सरकार की ओर से 90% सब्सिडी दी जा रही है। पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना का फायदा 35 लाख किसानों को देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के पहले चरण में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले 17.5 लाख पंपों को सोलर पैनल की मदद से चलाया जाएगा। देश के सभी किसान जो डीजल या पेट्रोल पर सिंचाई पंप चलाते हैं, वो अब सौर ऊर्जा की मदद से अपने सिंचाई पंप चला सकते हैं। कुसुम योजना के तहत सरकार ने आने वाले 10 सालों में 17.5 लाख डीजल पंप और 3 करोड़ कृषि पंपों को सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य रखा है। सोलर पंप लगाने से सोलर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसके लिए शुरुआती बजट 500 करोड़ रुपए रखा है। अब बात कि पीएम किसान योजना के क्या लाभ हैं। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं। रियायती मूल्य पर सिंचाई पंप उपलब्ध होगा। कुसुम योजना के पहले चरण में डीजल से चलने वाले 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इस योजना से अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा होगी। साथ ही योजना के साथ लगाए जाने वाले सोलर पैनल पर सरकार 90% सब्सिडी देगी और किसानों को सिर्फ 10% भुगतान करना होगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारे खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।